जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर इंडियन नेवी का जो नोटिफिकेशन आया है उसको लेकर के आपके बहुत ज़्यादा डाउट बन रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसको सभी विद्यार्थियों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इन्फॉर्म हो जाए और उनको पता चलना चाहिए कि मामला क्या चल रहा है। आपने मुझे पूछा था कि सर स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड का सिलेबस हो या फिर इसमें क्या दो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इस सब को लेकर के मैं पूरी डिटेल में जानकारी मैं दे रहा हूँ। छोटी सी वीडियो है। और दूसरी बात, शादी को लेकर के जो आपके सवाल आ रहे हैं, क्या सर हम नौकरी लग जाएंगे तो उसके दरमियान 4 साल तक जब तक नौकरी में रहेंगे तब तक हम शादी नहीं कर सकते हैं क्या, उसके ऊपर लेकर के नोटिफिकेशन में क्या आया है वो सब मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपके पेपर को लेकर के क्लियर कर देता हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पहले जो आपका एक टेस्ट होगा वो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होगा। आप ये मान के चलिए आपके दो एग्ज़ाम होने वाले हैं। दोनों एग्ज़ाम का तरीका क्या रहने वाला है, कैसे एग्ज़ाम होंगे वो मैं आप क्लियर कर देता हूँ। सिलेबस की बात कर लेता हूँ। देखिएगा, आपको पहले उसमें लिखा था शॉर्ट लिस्टिंग। पहले जब आप एग्ज़ाम देंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो 550 रुपये फीस है सभी स्टूडेंट्स के लिए वो एग्ज़ाम होगा, और उस एग्ज़ाम में जिन भी विद्यार्थियों के जो नंबर बनेंगे वो नंबर पर बेस्ड कट ऑफ बनेगी। हर राज्य यानी स्टेट की जो है वो कट ऑफ अलग अलग डिसाइड होगी, क्योंकि नेवी के अंदर जो वैकेंसियां होती हैं वो राज्य वाइज जो है डिवाइड होती हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है स्टेट वाइज डिवाइड होती हैं। तो ऐसे में लेकर के आपका स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पहला जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे तो इसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। आपने इस पेपर के अंदर कितने नंबर हासिल किए उस नंबर के बेस्ड पर वो जो है हर स्टेट वाइज जो है वो कट ऑफ निकाली जाएगी, और उसके बाद में फिर आपको एक और एग्ज़ाम देना होगा। पहली बात, जो पहला स्टेज फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होगा जो सभी विद्यार्थी देंगे उसका जो सिलेबस है वो वही है जो पहले था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ होगा 12th लेवल का, मैथ होगा, साइंस होगा, GK होगा, ठीक है, मैथ साइंस GK और इंग्लिश रहने वाला है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पहला एग्ज़ाम देंगे उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होंगे, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। इसके बाद में उसमें यह लिखा गया है कि जो सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा वो जो इंडियन नेवी के जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर होगा। इसका मतलब एक बात साफ है कि जो सेकंड स्टेज वाला जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन नहीं होने वाला, वो ऑफलाइन मोड पर होगा, क्योंकि इंडियन नेवी के अब ऐसा तो नहीं है बच्चे बहुत ज़्यादा आएंगे तो ऐसे में उनका जो है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कराने के लिए आपको सिस्टम की ज़रूरत होती है और एक बड़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इन माई ओपिनियन, हो सकता है ये गलत भी हो सकता है, लेकिन 99% होगा सेकंड जो एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वो गिने चुने बच्चों को ही लिया जाएगा। जैसे पहले होता था ऑफलाइन, गिने चुने बच्चों को परसेंटेज से छांट दिया, पहले 12th की परसेंटेज से छांटते थे, अब पहला एग्ज़ाम हो जाएगा, उस एग्ज़ाम में जितना जिनका नंबर आएगा परसेंटेज होगा उस परसेंटेज के आधार पर उनको छांटा जाएगा। बस एग्ज़ाम करा दिया, पहले 12th लेवल से हुआ करता था, तो इस बार सेकंड जो एग्ज़ाम होगा वो INS जो यू नो नेवी के सेंटर्स हैं वहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। अब उस एग्ज़ाम के बाद में आपका PFT होगा उसी सेंटर पे, PFT के बाद में इनिशियल मेडिकल होगा, और फिर जब फाइनल ज्वाइनिंग होता है तो INS चिल का आपको पता होगा ज्वाइनिंग के टाइम पर भी आपका मेडिकल होता है। तो ये चीज़ आप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सर क्या सिलेबस जो है चेंज रहने वाला है। सर मेरे अनुसार, क्योंकि उस पर लिखा गया है कि साहब ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस है लेकिन वहाँ तो हमें देखने को नहीं मिला, पूरा सिलेबस वही रहने वाला है जो स्टेज फर्स्ट का है, क्योंकि इंडियन नेवी का पहले भी जो एग्ज़ाम होता था वही सिलेबस है। तो सिलेबस में खास कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बस वो शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए कि हमने सभी विद्यार्थियों को मौका दिया है, उसके बाद में जो परसेंटेज के आधार पर चयन कर लिया जाएगा और उसके बाद जो है उनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, नेवी के सेंटर्स पर। तो ये जो है चेंज देखने को मिला है वो मैं आपको क्लियर कर दिया। मैंने आपको सेकेंड स्टेज का सिलेबस कंप्लीट अभी नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन हम मानते हैं कि वही जो है सिलेबस चलेगा। प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि पहले फर्स्ट जो एग्ज़ाम है उसको आप अच्छे से क्वालिफाई करें। इसका हो सकता है आपकी शिकायतें ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन शिकायतों को लेकर के मैं तो निवारण नहीं कर सकता। अब इसके बाद में बात करता हूँ आपकी मैरिटल स्टेटस को लेकर के, शादी के बारे में सर क्या बातचीत हो रही है। देखिए, शादी के बारे में उसमें स्पेशल लिखा हुआ है कि अनमैरिड मेल और फीमेल चाहिए, क्या अनमैरिड मेल और फीमेल चाहिए फॉर्म भरने से पहले आपका शादीशुदा न होना ये प्रमाण है होना चाहिए। तो ऐसे में अनमैरिड रहेंगे आप, और जब तक आप 4 साल के लिए नौकरी करेंगे तब तक आप जो है शादी नहीं कर सकते, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तब तक आप शादी नहीं कर सकते, मतलब आप क्वारे ही जो है वो 4 साल तक रहेंगे और अपने इंडियन नेवी में
जो है सेवा देंगे। तो ये तो रही मैरिटल स्टेटस की बात। अगर आप शादी कर लेते हैं तो ऐसे में आपको निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, तो जो भी कार्रवाई होगी वो आपके खिलाफ में जो वो कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो ऑथेंटिक हैं, जो लिखी हुई है। अपना आप ध्यान रखिएगा, और आप मुझे उम्मीद है कि आपका जो डाउट बन रहा था वो डाउट जो है एकदम क्लियर हो चुका है, अब कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तैयारी करिएगा, रोजाना एयरफोर्स की सीरीज चल रही है जो एग्ज़ाम आने वाला है, नेवी का भी आप उन्हीं को देखिएगा, कोई विशेष अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये अपना आप ध्यान रखिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछिएगा, और मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगा कि उन बच्चों का, विद्यार्थियों का जो मुझसे आज भी लगे हुए जुड़ाव है और वो लगातार रोज़ाना पढ़ते हैं, रोज़ाना कमेंट करते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या भले ही कम हो सकती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आपको, भले ही संख्या कम है लेकिन उनको मैं देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये गिने चुने जो बच्चे हैं ना वो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अपने एग्ज़ाम के अंदर। बस कहूँगा आप जुड़े रहिएगा, आपकी नीड जो है वो आप कमेंट के अंदर बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर के आने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, अपना कोई भी सुझाव दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, उन सब तक इस वीडियो को पहुँचाइए। थैंक यू।